सब्सक्राइब कीजिए हिंदी नेट ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल हिंदी नेट ज्ञान पर। दोस्तों, WhatsApp तो हम सभी चलाते हैं, लेकिन WhatsApp का जो थीम है वो सिंपल है और ये काफ़ी दिनों से WhatsApp के द्वारा चेंज नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने गैलरी के किसी भी फोटो को WhatsApp के थीम के रूप में, यानी कि WhatsApp के बैकग्राउंड इमेज के रूप में कैसे लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी अलग तरह के WhatsApp को इंस्टॉल किए हुए। ये आप जो है सो ओरिजिनल ऑफिशियल WhatsApp जो है उसी में आप ये थीम चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp का थीम कैसे बदलते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि कोई भी मैं चैट खोलता हूं तो इसके बैकग्राउंड में सिंपल सा कोई भी इमेज डाला हुआ है, जो WhatsApp का ऑफिशियल इमेज है वही इमेज इसमें डाला हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अपना कोई एक फ़ोटो सेट करेंगे। तो ये कैसे करना है, यहाँ पर जब आप WhatsApp में कहीं भी आप सेटिंग में चेक कर लो, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि कैसे चेंज करना है। देख लीजिए, यहाँ पर कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि WhatsApp का जो है सो वॉलपेपर कैसे चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, या तो आप कोई फ़ोटो कहीं से आया हुआ है आपके WhatsApp को उसको लगाना है, या फिर आप अपने गैलरी के फ़ोटो को इसमें लगा सकते हैं। तो हम पहले आपको बताते हैं कि गैलरी के फ़ोटो को कैसे लगाना है। तो चलिए हम अपना गैलरी का फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। ये फ़ोटो है एक, मान के चलिए हमको इस फ़ोटो को अपने WhatsApp के बैकग्राउंड में लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सेंड करेंगे पहले WhatsApp पे, तभी ये WhatsApp में जाएगा। हमको ये सेकेंड वाले पे डालना है। तो किसी भी नंबर पे आप इसको सेंड कर दीजिए, जिस नंबर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सेंड करने में उसी नंबर पे सेंड कीजिए। और उस नंबर पे सेंड करने के बाद उस पे जाए या चाहे नहीं जाए उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको किसी एक नंबर पे सेंड कर देना है ताकि ये WhatsApp में आपका आ जाए। तो हमने इसको सेंड कर दिया, ये चला भी गया है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको टैप करेंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कॉर्नर पे आप थ्री डॉट देख रहे हैं, इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा यूज एज ए वॉलपेपर। तो इस पे हम जब क्लिक कर देंगे तो ये हमारे वॉलपेपर में सेट होगा। इससे पहले आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है कि कितना आपको इसका रखना है, आप चाहे तो छोटा बड़ा क्रॉप भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे ये हमारे WhatsApp के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें सेट हो गया है। अब कोई भी चैट खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर पीछे में ये बैकग्राउंड में सेट हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके फ़ोन में कोई आया हुआ है, आपके WhatsApp में अगर कोई फ़ोटो आया हुआ है तो उसको कैसे सेट करना है। तो उसको भी सिंपल इसी प्रकार से सेट करना है। जैसे ये फोटो आया हुआ है तो इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर सेट एज ए वॉलपेपर कर देंगे, उसके बाद उसका एडजस्टमेंट करेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में, इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो, साथ साथ इस वीडियो को रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद।